तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु शरणं भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतमुगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप सभी दिव्यात्माओं को मैं डॉक्टर ब्रिज महंती का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और 5 दिवसीय योग शिविर के 4th दिन के प्रातःकाल सत्र में आज हम सब उपस्थित हैं। योग के बीज को गांव-गांव में बिखेरना है। कहां-कहां बिखेरना है? गांव-गांव में। जैसे हम गेहूं का बीज खेतों में बिखेर देते हैं और उसका ध्यान नहीं भी रखते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बीज जम जाता है। जमता है कि नहीं जमता है? इसी प्रकार जब बकरी गांव में योग के बीज को बिखेर रहे हैं 5 दिनों तक, तो आज न कल ये बीज जमेगा, बड़ा होगा और वट वृक्ष बन करके पूरे गांव को आसरा देगा, पूरे गांव को निरोग बनाएगा। इसलिए गांव का एक व्यक्ति भी यदि सदाचारी है, एक व्यक्ति भी यदि योग सीख रहा है तो पूरे गांव को बचा सकता है। एक व्यक्ति यदि गांव का बलात्कारी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है तो पूरे गांव को बर्बाद कर देता है, पूरे गांव को बदनाम कर देता है। इसलिए अपने इस बकरी गांव को कैसे हम और उज्जवल बना सकते हैं, कैसे हम पूरे विश्व के इस पटल पे इसको दिखा सकते हैं कि हमारे गांव में भी आदर्श लोग रहते हैं, हमारे गांव में भी नशा मुक्त लोग रहते हैं, हमारे गांव में भी शाकाहारी लोग रहते हैं। तो आइए हम योग के इस कार्यक्रम को एक बार पुनः अपने गांव में सबके साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हुए अज्ञानता में ज्ञान भरने का, अंधेरे में प्रकाश डालने का ये जो कार्य हो रहा है देश भर में, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। और स्वामी जी चाहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बने। और जब बुरे काम वाले लोग बुराई को जब प्रचार कर रहे हैं, बुराई को फैला रहे हैं, तो हम अच्छे काम करने वाले लोगों का दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है कि अच्छे कार्यों को भी हम समाज में प्रदर्शित करें, समाज में दिखाएं, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा काम करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो गांव के लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है कि जो लोग लूट खसोट करता है, जो लोग व्यभिचारी है, जो लोग गलत काम करता है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। इस धारणा को हमें मिटाना है और ये बताना है कि हम सत्य के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं, हम सदाचारी होकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए कैसे हम सदाचारी हो सकते हैं। जैसे बढ़िया काम में जल्दी किसी को मन नहीं लगता है। अभी इस गांव में नाच का प्रोग्राम कर दीजिए, लौंडा नचाइए, तो देखिए गांव का आदमी काम छोड़ छोड़ करके उसमें भाग लेगा। नहीं, रात भर जाग जाग करके कमाया हुआ धन भी लौंडा को छूट में देगा, ये लो वो लो ऐसे लुटाएगा। और अच्छे काम यदि गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम उसमें हम कम भाग लेते हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों का अशुभ संस्कार है। आइए इस अशुभ संस्कार को हम कैसे शुभ में परिवर्तित करेंगे, तो भाई उसके लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी सीधे बैठ जाइए और प्राणों की आराधना, धीरे धीरे सांस भरिए। Ya lo hice con el barrio. 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 Ya lo hice con el barrio.
हम गायत्री मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल महाशिवरात्रि पर्व पूरे गांव पूरे देश वाले मनाए हैं। कल सबने संकल्प लिया है कि हम नशा नहीं लेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम सदाचारी होंगे। अब उस संकल्प को अपने जीवन में घटित करना है, अपने जीवन में रूपांतरित करना है, उसे स्थापित करना है। ओम छोटू ओम